नमस्कार दोस्तों, बोल्डस्काई में आपका स्वागत है। चंद्रग्रहण खगोलीय दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना मानी जाती है। हालांकि धर्म और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ये अशुभ घटना होती है। अलग अलग मान्यताओं के बीच इस साल का पहला चंद्रग्रहण 5 मई को रात 8:44 पर शुरू होगा और 6 मई को देर रात 1:01 पर समाप्त होगा। ये दक्षिण पूर्वी यूरोप के साथ साथ अधिकांश एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। हालांकि भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देने वाला है, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं रहेगा। वहीं साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को शाम 4:24 पर यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत, आर्कटिक और अंटार्कटिका में दिखाई देने वाला है। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा हल्का लाल रंग का नजर आएगा। जानते हैं इसके पीछे नासा द्वारा समझाए गए वैज्ञानिक कारण क्या है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा चरण के दौरान होता है, जब पृथ्वी स्वयं को चंद्रमा और सूर्य के बीच ठीक से स्थित करती है। पृथ्वी अपनी छाया चंद्रमा की सतह पर डालती है और उसे मंद कर देती है। इसकी वजह से कई बार कुछ घंटों के दौरान चंद्रमा की सतह लाल दिखाई देती है। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण। नासा के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान जब सूरज की रोशनी चंद्रमा तक पहुँचती है और पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरती है तो चंद्रमा लाल हो जाता है। ग्रहण के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल में जितनी अधिक धूल या बादल होंगे चंद्रमा उतना ही लाल दिखाई देगा। ये ऐसा है जैसा दुनिया के सभी सूर्योदय और सूर्यास्त चंद्रमा पर प्रक्षेपित होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।